मकर संक्रांति की आपको, आपके पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। देख रहे हो मम्मी को, मम्मी क्या पहनी है, टोप। ये सामने रहा मंदिर और एक मस्जिद। कबीर दादी का मजार है, ये देखिए, ये है कबीर दादी का मजार। खिचड़ी बन गया, सब्जी बन गई। ये गुफा का प्रवेश द्वार है। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? उम्मीद अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। स्वागत करता हूँ आज के एक न्यू ब्लॉग में। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आज के न्यू ब्लॉग में। आज मैं सुबह उठ गया हूँ, उठ के पहले बाहर फाटक खोले। आज क्या टाइम हो रहा है? आज टाइम तो मुझे लग रहा बहुत सुबह ही है। मम्मी क्या कर रही हैं? ओ मम्मी वहाँ पूजा कर रही हैं। अभी जूली भी सोई हुई है। सुबह के लगभग 5 बज ही रहे हैं। मुझे भी आज सवेरे तैयार होना है, चलना है आज मकर संक्रांति की, आज खिचड़ी चढ़ाने चलते हैं, नहाने। अभी तो कपड़े निकाल दिया, आज खिचड़ी है, पहले तेल लगा दे। सुबह सुबह नहाने से पहले तेल लगाया जाता है, खास करके ठंडी में बहुत आवश्यक है। अब चलते हैं नहाने, पहले नल से पानी पहले भर। पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। ओम नमो तो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते सबनी तो कौन सा गाना गाने जो तुम कावेरी ससुर रुष्टि में। उठ गई हैं, सुबह सुबह झाड़ू लगा रही हैं। हाँ मम्मी जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मम्मी, नमस्ते। ये भी धुलाई का कार्य कर रही हैं, तब तक हम कुछ कपड़ा पहन लें। हाँ कंघी, तैयार हो गए, गुड। पूजा करने We'll be right back.
पूजा, आज मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति की आपको आपके पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज बहुत कुछ सारा कार्य करना है, चलते हैं बाहर। सुबह हो गई, इधर तू जाला आ गया जंगल के पास, इधर देखेंगे। बाहर का मौसम भी बहुत बढ़िया है। बाहर अब कितने बज गए? 8 बज गए भाई। चंदन है, ये चंदन मेरा रहा। गुड, लग गया मेरा चंदन। ये मेरी टोपी, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना पाए या ना आए। ठीक, बाहर का देखो मौसम, ये सुबह, सुबह का मौसम काफी शानदार भी है। हमारे रामचरित मास का पाठ भी हो रहा है, उधर मंदिर है, मंदिर की तरफ से आवाज आ रही है। मम्मी कहाँ गई? बाहर कहीं गई है। ये क्या है? अरे ये तो नमक, ये तो चावल, मूली, सब कुछ है। लगता है मम्मी मेरे लिए सीधा रखी हैं। वैसे हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ होता ये है कि जिस दिन मकर संक्रांति होती है, तो सुबह नहा धो करके पूजा करने के बाद जो भी खिचड़ी बनाने के लिए जो भी सामान उपयोग किए जाते हैं, जैसे चावल, उर्द, आलू, टमाटर, अदरक, जो भी सारी चीज़ें, जैसा कि मम्मी ने मेरे रखा है नमक, वो सब सारी चीज़ें छू करके ब्राह्मण को दान दिया जाता है। ये हमारी यहाँ की परंपरा है, विधा है। तो अभी हम छू लेते हैं इसको पहले। खिचड़ी बन गया, सब्जी बन गई, ये पत्ता धनिया, और यहाँ क्या है, खिचड़ी। इसको ले चले पहले, पहले क्या होगा, भोग लगाया जाएगा भगवान जी को, बिना भोग लगाए नहीं कहाँ लगेगा। यहाँ पे भगवान जी पहले पालेंगे, फिर अब इसको ले चलते हम खुद अब पाएंगे। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, खाना आए या ना आए। अब ये दही, मौज, मेरे बनाया खिचड़ी, दही, मुझे मम्मी खाना दे दी, सेक रही आ गई। ओ ठंडी भी ज़्यादा है मकर संक्रांति पर, क्या करें मम्मी, देख रहे पैतापले, देख रहे मम्मी को, मम्मी क्या पहनी है, टोपा, साल, उसके बाद यहाँ आगे सेक रही है। ठंड भी काफ़ी बढ़ गया है ना, आज बहुत काम किए, कल घर में लीपी उपी हैं, गोबर से पूरा घर लीपी हैं, और लीपी हम बोल रहे थे गोबर मत लीपो, लेकिन पूरा घर लीपी, बहुत मेहनत की। सुबह उठ गई, यहाँ सुबह ये पूजा कर रही थी, उसके बाद क्या क्या कर रही थी आप? हैं पूजा करी हैं, नहाई हैं, धोई हैं, उसके बाद से जा कर के फिर खिचड़ी बनाई है। खिचड़ी क्या है, चावल और उर्द मिला करके खिचड़ी बनाते हैं, हैं खिचड़ी बनाई है, सब्जी बनाई है, अदरक डाली है, घी डाली है, बच्चे खाए हैं, आप लोग भी खिचड़ी बनाइए, खाइए आराम से। खिचड़ी की खूब सारी हार्दिक शुभकामनाएं, सबको मुबारक हो, आपको, आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से खिचड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं। खिचड़ी खाइए, खिचड़ी बनाइए, और खिचड़ी दान करिए, हो सके तो पतंग उड़ाइए, आसपास पड़ोस में जो भी गरीब बच्चे हैं, गरीब लोगों, उन लोगों में दान करिए। आज खिचड़ी का महत्व बहुत ज़्यादा है, और ख़ास करके हमारे धर्म में खिचड़ी की, बस खिचड़ी के बारे में विशेष बातें बताई गई, चावल, चावल, उर्द, उसमें मूली, दाल, जो भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें उसमें मिला करके उसको दान करेंगे ब्राह्मणों को, खाते हैं, खिलाते हैं, हाँ खाते हैं, खिलाते हैं, और आप लोग भी खिचड़ी खाइए, खिचड़ी दान करिए। आज चलने का विचार है खिचड़ी चढ़ाने, कहाँ चले? हाँ मगर संत कबीरदास की स्थली पर, वही चलते हैं। दोस्तों मान्यता ये है, संत कबीरदास जी का जहाँ महापरिनिर्वाण स्थली बनी है, वहाँ पे आज के दिन लोग खिचड़ी चढ़ाते हैं।
खिचड़ी लोग खा भी रहे हैं, खिचड़ी दान कर रहे हैं। यहाँ पर मगर महोत्सव का भी आयोजन होता है मगर में। इस तरह से प्रत्येक वर्ष वहाँ पर लोग खिचड़ी चढ़ाने आते हैं, खिचड़ी दान करते हैं। मैं भी चलूँगा, थोड़ा सा झलक आपको देखने को थोड़ा सा मिलेगा। रास्ते बड़ा मज़ा आ रहा है, चलेंगे चौराहे पे, वहाँ से फिर बाइक से चलेंगे। पीछे हमारे जो है, आप जो देख रहे हैं, ये सरसों का खेत है और बगल में सरसों के साथ साथ गेहूं भी है। बस कुछ ही देर में रोड आने वाला है, पैदल इसलिए चल रहा हूँ कि चौराहे से बाइक लूँगा। ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठंडी ना लगे इसलिए मैं पैदल चल रहा हूँ। पैदल चलने का आनंद ही कुछ और है ना। पैदल चलना चाहिए सुबह सुबह, खास करके चौराहे। कुछ ही देर में चौराहा आने वाला है। अब आ गया चौराहा। चलने की तैयारी तभी थी जब मम्मी के साथ आग सेक रहे थे, तभी फिर दिमाग में ये हुआ ठंडक ज़्यादा है, जाएंगे ठंडा भी लगेगा, लेकिन आज खिचड़ी भी तो चढ़ाना चाहिए। खिचड़ी चढ़ाना है तो चलना ही पड़ेगा। किसी को फ़ोन करता हूँ, फिर चलता हूँ मैं वहाँ के लिए। तैयारी कुछ कर ली है, टाइम भी लगभग लगभग 2 बज रहा है, सो चलते हैं। मैंने बाइक जमा की है तो हम आ गए हैं मगहर। यहाँ पे आज मगहर का लगा है मेला। चलते हैं मंदिर में, मेले में, और देखते हैं क्या क्या मेले में आया है। बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। चलिए मंदिर में चलते हैं। मेला काफ़ी भरा पड़ा हुआ है। ₹20 में 10 चक्कर, चलो ठीक है, 10 चक्कर लगाएंगे मगर मेले में। ये भैया जी हैं। समाधि स्थल पर ये सामने रहा मंदिर और एक मस्जिद, उसमें चलते हैं अंदर। कबीर जा जी के मंदिर और मस्जिद, पहले मंदिर में जाए पहले मस्जिद में जाए, कहाँ जाए पहले? पहले मंदिर में चलते हैं, पहले मंदिर में चलते हैं हम। यहाँ पे कुछ लोग सेल्फी खिंचवा रहे हैं, सेल्फी पॉइंट। आ गए हम लोग यहाँ पे मंदिर पे। दोस्तों बड़ा सुकून मिल रहा है, कुछ लोग यहाँ पे सेल्फी भी खींच रहे हैं। ये रहा कबीर दास जी का मंदिर और पास ही में कबीर दास जी का मजार है। ये देखिए, ये है कबीर दास जी का मजार। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो ये रहा कबीर दास जी का मंदिर, आप देख सकते हो कितना चढ़ाया जा रहा है, खिचड़ी आज चढ़ाया जा रहा है ना महाराज जी, खिचड़ी चढ़ाया जा रहा है ना। यहाँ पे बड़ा ही सुकून का समय है, आप देख सकते हो यहाँ पे खिचड़ी चढ़ाई जा रही है, खिचड़ी बड़े श्रद्धा भाव के साथ लोग चढ़ा रहे हैं। प्रसाद हम लोग ले लिए। ये गुफा का प्रवेश द्वार है, ये देखो कबीर दास जी कितनी अच्छी अच्छी ये बनी हुई चित्रकारी। से हम लोग बाहर आ गए, बहुत ही क्राउड है यहाँ पे मेले में। ये मेला लगभग 4-5 दिन तक रहेगा। अभी हम लोग आ गए हैं कहाँ पर, इस मजार के पास ही में आमी नदी है, पास ही में। उस पुल तक, पुल बहुत दूर है, लगभग नहीं तो 200 मीटर तो है ही, 200 मीटर जाने का कल ₹30 हैं एक साथ। कितने लोग? कम से कम 30-32 लोग, 30-32 लोग एक साथ इस नाव में ले जाने की कैपेसिटी है ना। चलो ठीक है, हम नाव में बैठ के दिखाते हैं कैसा लगता है नाव में। आओ बैठ जाओ, बैठे कोई सूट नहीं है, समुद्र में तोड़ लोगे ये। देखो क्या बात है, देखो दोस्तों ये है नाव पे बैठने का असली आनंद।
हमारे साथ कितने लोग बैठे हुए हैं? सचिन। सचिन कुमार, आपका क्या नाम है? शक्तिमान। कहाँ से आए हो? शाहनवाज़। सभी लोग सचिन, क्या नाम बहनी? सलोनी। सलोनी, सलोनी कौन सी क्लास में पढ़ती हो? दो में। अच्छा, दो में। अच्छा, ये सब कौन है तुम्हारे साथ? भैया हैं। और आप भैया? हम सहजनों में सी हैं। सभी साथ ही में हैं? नहीं नहीं, मैं साथ में नहीं। अच्छा, आप साथ में नहीं हैं, अकेले हैं। अच्छा, सभी लोग नाव में बैठने का आनंद लेने कि नाव में घूमने का? घूमने का आनंद ले दोनों का। चलो ठीक, घूमिए आप लोग। तुम भी ले लो साथ, पहले खा लें यहाँ का मजा ले। पकौड़ी जो है 5 रुपए की पकौड़ी मिल रही है ब्रेड की, जो कि कहीं मिलना मुश्किल है। खा चुके हम लोग 5 का पकौड़ी, 5 का समोसा, बहुत शानदार लग रहा है। और साथ में मेरा साथ जो छोटी था, छोटी भी खा रहा है अभी। खा जल्दी करो। सुबह भी मम्मी आगे ताप रही थी, यानी कि आगे सेक रही थी, अब मैं भी सेक रहा था। तो चलते हैं, समय रात्रि के 8 बजने वाले हैं। यहाँ भोजन भी बन ही गया है, मैंने भोजन निकाल दिया, चलते भोजन करते हैं। सब तैयारी हो गई सोने की, भोजन कर लिया। मम्मी गई हमारी रामचरितमानस का पाठ करने, मैं भी चलता हूँ सोने, ठंड बढ़ गई है। आज की हमारी ये खिचड़ी की मकर संक्रांति की वीडियो कैसे लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है हमारी खिचड़ी की वीडियो, मकर संक्रांति की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो चैनल पर पहली बार चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को आज पे सेट कर दीजिए, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी लेटेस्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, बाय।